नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से सीवेयर सॉइल टेक्निक के ऊपर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और ये वीडियो है कि सीवेयर सॉइल टेक्निक में हम कैस्टर ऑयल मिला के कीटनाशक के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। मैं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से, नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। और अगर नेगेटिव फीडबैक भी है तो भी ज़रूर दीजिएगा, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है और आगे के जो वीडियोस हैं उसके हिसाब से भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने सुना होगा, पहले भी एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें हमारे रेड्डी साहब ने एक वेबिनार के माध्यम से किसानों से चर्चा की थी और उसमें कई साथियों के प्रश्न आए थे कि सर कैस्टर ऑयल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सब सॉइल के साथ और क्या कैस्टर ऑयल का कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मिट्टी में ये कैस्टर ऑयल को मिलाना है। पहले आपको क्या करना है कि जो आपने मिट्टी निकाली है सब सॉइल, उसको किसी छन्नी की मदद से आपको अच्छी बारीक छान लेनी है। उसमें इस तरह के पत्थर नहीं होने चाहिए, ये पूरी तरीके से बारीक होनी चाहिए। ये मिट्टी छानने के बाद आपको इसमें कैस्टर ऑयल आपको मिलाना है। ये हमारा बारीक छाना हुआ सब सॉइल है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, एक भी इसमें कंकड़ या पत्थर नहीं है। और इस सब सॉइल पे आपको इस तरीके से ये कैस्टर ऑयल को मिक्स करना है। कई साथियों ने पूछा था कि कैस्टर ऑयल की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी मीठा तेल, एडेबल ऑयल जो खाने में यूज़ होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस सब सॉइल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी फसलों में इसकी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, कतारों के बीच में जड़ों के पास आप इसको डाल सकते हैं। दूसरा है इसका स्प्रे आप अपनी फसलों पर कर सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी होगी आगे आपको वीडियो में मैं बताता हूँ। आप देखिए इस तरीके से इस कैस्टर ऑयल को आपको अच्छे से दोनों हाथों से मिलाकर आपको मिलाना है ताकि मिट्टी के एक एक कणों में ये कैस्टर ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये कैस्टर ऑयल इमल्सीफायर का काम करता है और बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। और आगे जाके ये जब डीकम्पोज होता है तो आपको NPK और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके फसलों को मिलना चालू हो जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी हमने छानी है बहुत बारीक होनी चाहिए, बहुत ही फाइन टेक्सचर इसका होना चाहिए। यहाँ हमने 10 किलो सब सॉइल में आधा लीटर यानी हाफ लीटर कैस्टर ऑयल हमने मिक्स किया है। 10 kg सब सॉइल, हाफ लीटर कैस्टर ऑयल। जब आप ये कैस्टर ऑयल मिक्स्ड सब सॉइल यूज़ करते हैं तो कीटनाशक का तो काम करता ही है, गेहूँ और धान जैसी फसलों में टिलर्स बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आपको कैस्टर ऑयल अपनी सॉप सब सॉइल में मिलाना है। तो ये कितनी क्वांटिटी होती है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए इसका जो मिश्रण होता है वो किस तरह से होगा। 200 लीटर पानी में आपको 20 किलो मिट्टी मिलानी है, लेकिन ये 20 किलो मिट्टी को आपको दो भाग में डिवाइड करना है। पहला 10 किलो का भाग अलग रहेगा, दूसरा 10 किलो का भाग अलग रहेगा। तो पहला जो 10 किलो का भाग है, जो 10 किलो का जो आपने एक पार्टीशन किया है, तो 10 किलो में आपको हाफ के जी आधा लीटर आपको कैस्टर ऑयल मिलाना है। तो इस मिट्टी को मिलाने के बाद आप साइड में रख लीजिए, बाकी का जो 10 किलो मिट्टी है उसको आप अलग रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि 200 लीटर पानी में जो हमने कैस्टर ऑयल मिला हुआ जो मिट्टी है उस मिट्टी को आपको 200 लीटर पानी में घोलना है और जो बाकी का जो प्लेन जो सब सॉइल है उसको भी आपको इस टैंक में घोल लेना है। तो ये फर्स्ट स्प्रे है, इस फर्स्ट स्प्रे का आपको अपनी फसल पर प्रयोग करना है। जब आप सेकंड स्प्रे करने जाएंगे तो ये क्वांटिटी, ये जो मात्रा है वो चेंज हो जाएगी। इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 किलो सब सॉइल लेना है और 250 ml कैस्टर ऑयल लेना है और 15 किलो नॉर्मल सब सॉइल लेना है जिसमें हमने कैस्टर ऑयल नहीं मिलाया है। तो ये आपका 20 किलो का फिर से एक डोज हो जाएगा और ये 20 किलो मिट्टी को आपको 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला स्प्रे आप जब करेंगे तो 10 किलो सब सॉइल में आधा लीटर आपको कैस्टर ऑयल मिलाना है और 10 किलो सब सॉइल बिना कैस्टर ऑयल मिला हुआ, यानी कि 10 किलो और 10 किलो 20 किलो ये हो जाएगा, 200 लीटर पानी में आपको मिलाकर स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे में आपको सिर्फ 5 किलो सब सॉइल में 250 ml यानी 250 ml आपको कैस्टर ऑयल मिलाना है
और 15 लीटर आपको सबसॉइल मिलाना है और इसका आपको मिलाकर स्प्रे करना है। इस सबसॉइल को जो आपने कैस्टर ऑयल मिलाया है इसको आप यू नो एज ए जड़ों के पास भी आप इसको अपने पौधों के आसपास रख सकते हैं, ड्रिपर के आसपास। इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको फील्ड में चलकर देता हूँ। साथियों, जब आप इसको जड़ों के पास डालेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, 10 किलो मिट्टी में, 10 किलो सबसॉइल में आधा लीटर कैस्टर ऑयल को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये अगर आपका कोई सब्जी का पौधा है तो इसके ड्रिपर के नीचे, मतलब ये आपकी ड्रिप ड्रिप लाइन गई है, इसमें आपको करीब 4 इंच आपको खोदना है। इस तरह से आप 4 इंच करीब खोद लीजिए। 4 इंच खोदने के बाद मुट्ठी भर मिट्टी, जैसे ये हमारा बैगन का प्लांट है, इसमें इस प्लांट के साइज के हिसाब से मुट्ठी भर मिट्टी आपको उस 4 इंच जो मिट्टी हमने निकाली इसमें आपको भर देनी है, और जो मिट्टी आपने ऊपर निकाली थी उसको वापस उससे कवर कर देना है। तो होगा क्या कि जब तक शुरू के 3-4 दिन जब तक ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है ये कैस्टर ऑयल और ये मिट्टी, तब ये बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करेगा, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का काम करेगा, और उसके बाद ये एनपीके का काम करेगा, सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके पौधे को मिलना चालू हो जाएंगे। तो इसका एक डबल आपको फायदा मिलने वाला है, शुरू के 3-4 दिन ये कीटनाशक का काम करेगा, उसके बाद एनपीके का काम करेगा। ये जो प्रोसेस अभी आपने मैंने आपको जो बताया है जिसमें आपको जड़ों के पास ये सबसॉइल डालना है, ये प्रोसेस आप 15 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो हर 15 दिन में आप 15 दिन में आपको सिर्फ एक एक मुट्ठी ये कैस्टर ऑयल मिला हुआ जो मिट्टी है वो आपको अपने जड़ों के पास डालना है। आप एक बार करके देखिए और आप रिजल्ट्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं या आप आगे जाके करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट है, वीडियो में कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। कई साथियों ने पूछा था कि कैस्टर ऑयल का ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका कोई एक विकल्प हमारे पास है या नहीं है। तो अगर आपको कैस्टर ऑयल नहीं मिलता है तो उस केस में आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सरसों का तेल है, आपका नीम ऑयल है, अरंडी का तेल है, आपका करंज का तेल है, तो इस तरह से आप जो भी एडिबल ऑयल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेफर करिए कैस्टर ऑयल, अगर आपके लिए पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर कैस्टर ऑयल आपको नहीं मिलता है या आपको लगता है कि कॉस्टली है तो उस केस में आप ये बाकी जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ही एक अच्छा एक ऑप्शन है जब सीवीआर सॉइल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो है गेहूं, जो अंकुरित गेहूं है उसकी एक चटनी बनाकर, उसका एक पेस्ट बनाकर भी आप अपनी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में आपको 2 किलो अंकुरित गेहूं की आपको पेस्ट बनाना है, अंकुरित गेहूं का। और अगर इस तरह की जो फसलें हैं जो जैसे ग्रास फैमिली से जो बिलोंग करने वाली क्रॉप्स हैं, जैसे गेहूं है, आपका गन्ना हो गया, इस केस में आपको जिसमें रस चूसक जो कीट्स होते हैं, सकिंग पेस्ट जो होते हैं वो नहीं आते हैं, तो उस केस में 15 किलो टॉप सॉइल, 15 किलो सब सॉइल और 2 किलो अंकुरित स्प्राउटेड जो वीट है उसका जो पेस्ट है वो मिलाकर आपको स्प्रे करना है। सब्जियों के केस में आपको सिर्फ सब सॉइल मिलानी है 30 किलो, और 2 किलो आपको गेहूं का जो अंकुरित दाने का जो पेस्ट है वो आपको मिलाना है। और अगर आप ऐसे किसान हैं जो धान की खेती करते हैं, पैड़ी ग्रो करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 किलो जो आपका पैड़ी है अंकुरित उसका आपको पेस्ट बनाना है, और 2 किलो आपको गेहूं का जो अंकुरित पेस्ट है वो आपको यूज़ करना है 30 किलो सब सॉइल में, और 200 लीटर पानी आपको मिलाकर आपको उसका स्प्रे करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं सब सॉइल के थ्रू। ट्रस्ट मी, सीवीआर सॉइल टेक्निक अपने आप में एक मैजिक है, अपने आप में एक चमत्कार है। अगर आपने अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा छोटे से एरिया में इसका प्रयोग करके देखिए, और सीइंग इज बिलीविंग जैसा बोलते हैं, खुद अपनी अपने आप करके देखिए, फिर आप देखिए इसका रिजल्ट आपको मिलता है या नहीं मिलता, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको यूज़ किया तो कैसे परिणाम आपको देखने मिले हैं। इस सीवियर सॉइल टेक्निक में जो भी हमने आपको बताया कि गेहूं वाला जो एक तरीका था अंकुरित गेहूं का, तो इसमें आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो एक तरीके से सीवियर सॉइल टेक्निक से आप न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, पोषण भी दे रहे हैं अपने फसलों को, और इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड के तौर पर, कीटनाशक के तौर पर भी आप अपने फसलों के अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूंगा साथियों। अगर आपके मन में अभी भी सीवियर सॉइल टेक्निक के से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और इतने सालों में मेरे को दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।